तो जिनको भी जिनके साथ भी हम एमवे के प्रोडक्ट्स के बारे में चर्चा करते थे वो ये कहते थे जी आपके प्रोडक्ट्स महंगे बहुत हैं। समय बदला, लोगों ने एमवे के प्रोडक्ट्स को अपने जीवन में उतारा, बहुत सारी रेंज उन्होंने यूज़ की और आज वो ये कहते हुए नहीं थकते हैं जी आपके प्रोडक्ट अच्छे बहुत हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो एमवे बहुत सारे सेगमेंट्स में डील करता है, होम केयर हो, पर्सनल केयर हो, ब्यूटी की बात करें तो वर्ल्ड के टॉप 5 ब्रांड में आर्टिस्ट्री हमारे एमवे का एक बेहतरीन ब्यूटी रेंज है और वो तो आपको मुझे देख के ही पता चल रहा होगा। आई एम स्वीट 50, मैं इसी महीने 50 साल की पूरी होने जा रही हूँ, लेकिन थैंक्स एमवे प्रोडक्ट्स जिनकी वजह से आज भी मैं हेल्दी और फिट हूँ और मेरा पूरा परिवार। तो फ्रेंड्स, एमवे वैसे तो बहुत सारी रेंज में डील करता है, लेकिन आज मैं आपके साथ जिस सेगमेंट्स के बारे में बात करूंगी वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है एमवे का, बहुत विश्वसनीय सेगमेंट है और वो है हेल्थ सेगमेंट। क्यों मैंने हेल्थ चूज किया, क्यों मैंने हेल्थ का टॉपिक चूज किया? क्योंकि फ्रेंड्स, आज हमारा भारत बहुत सारी बीमारियों से जूझ रहा है। आज जगह जगह पे होर्डिंग्स लगाई गई हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कि 80% लोग प्रोटीन डेफिसिट हो रहे हैं। पहले बहुत सारी बीमारियां हुई, हैजा हुआ, कॉलरा हुआ, लेकिन सारी चीजों के लिए एंटीबायोटिक तैयार की गई और पूरी तरह से कंट्रोल किया गया उन बीमारियों पे। लेकिन फ्रेंड्स, आज बहुत ही दुख का विषय है कि आज की जितनी भी बीमारियां हैं डॉक्टर केवल उन्हें या तो मैनेज करता है, हैंडल करता है, लेकिन उसको जड़ से हम उखाड़ के नहीं फेंक पा रहे हैं, क्योंकि ये बीमारियां हमारी लाइफ स्टाइल डिजीज कहलाती हैं। आज बीमारियां उम्र की मोहताज नहीं है, आज यंग बच्चों को कैंसर हो जाता है, हार्ट अटैक, थायराइड कैंसर, ब्लड प्रेशर, हड्डियों के रोग, यंग बच्चे आज हार्ट अटैक से चले जा रहे हैं। अभी WHO की इतनी दुख भरी रिपोर्ट आई है फ्रेंड्स, रोंगटे कांप जाएंगे। उन्होंने लिखा है 40% माँ बाप अपनी औलादों को ऊपर जाते हुए देखेंगे। क्यों आखिर ये बीमारियां क्यों आ रही हैं हमारे जीवन में, क्यों ये बीमारियां ऐसी हैं जो खून की तरह हमारे शरीर में लग रही हैं, क्यों आज बीमारियों की उम्र नहीं रह गई? क्योंकि हमारा वातावरण बहुत प्रदूषित हो गया है। आज जो हम खा रहे हैं उसमें इतना इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड और केमिकल है कि हम ना चाहते हुए भी इन फसलों को और फ्रूट्स को खाने पे मजबूर है। पहले क्या होता था, आलू टमाटर की सब्जी बनती थी जाड़ों में, बावन घर इधर सबको पता लग जाता था कि आज इनके आलू टमाटर की सब्जी बनी है। क्यों, मैं सर्दी सही बोल रही हूँ? गोभी की खुशबू, वाह, सोया मेथी का साग, कहां गई इन सब्जियों की खुशबू? क्योंकि आज हमने क्वालिटी को इग्नोर करके क्वांटिटी पे फोकस किया। आज इतने जहरीले पदार्थों के द्वारा हमारी खेती की जा रही है कि हम उनको साफ भी नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ये हमारी सबसे शरीर की जो सबसे छोटी इकाई है वो सेल को डैमेज कर रही है। आज कैंसर इतनी एडवांस स्टेज पे क्यों पता चलता है, कभी तो प्राइमरी स्टेज पे हुआ होगा। आज हम बिल्कुल अपने आप को फिट पाते हैं और अचानक से एक दिन डॉक्टर हमको ऐसी रिपोर्ट थमा देता है कि हमारा पूरा परिवार बिखर जाता है, पूरा हंसता खेलता परिवार एकदम से अवसाद में डूब जाता है। क्यों? क्योंकि आज हमारा वातावरण इतना पॉल्यूटेड हो गया है। 5-star फैसिलिटीज वाले हॉस्पिटल खुल रहे हैं और हम उन्हें देख देख के खुश हो रहे हैं। फ्रेंड्स, बुद्धिमनी क्या कहती है? बुद्धिमनी कहती है कोई बात नहीं, मैं आपको डरा नहीं रही हूं, क्योंकि मैं ये बताने के बाद आपको रेमेडी भी देने वाली हूं। बुद्धिमानी कहती है दाल में नमक कम हो जाए तो क्या करना चाहिए, ऊपर से डाल लेना चाहिए। कभी कभी अगर चाय में चीनी कम लगती है तो हम ऊपर से ऐड कर लेते हैं। तो अगर आज हमारे खाने में पोषक तत्वों की कमी हो गई है तो हमें ऊपर से ऐड करना चाहिए, सिंपल। लेकिन अगर हम बाजार के कोई भी चीजें, चाहे हेल्थ की हो, मल्टी विटामिन हो, लगातार खा नहीं सकते। क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि डॉक्टर कहता है देखिए लगातार अगर आप कैल्शियम लेंगे तो ये केमिकल बेस्ड है, हो सकता है किडनी में स्टोन हो जाए। प्रोटीन लगातार, जो बच्चे जिम जाते हैं और जो डेली प्रोटीन ले रहे हैं उनको डायलिसिस के थ्रू अपनी बॉडी से प्रोटीन निकलवाना पड़ता है क्योंकि वो बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं हो पा रहा।
हमें जो भी चीजें लेनी है, जो खाने में हमारे मिनरल कम है या प्रोटीन कम है, वो भी हमें नेचुरल लेना है। तो क्या दुनिया में कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो नेचुरल तरीके से हमारी आवाज सुने? फ्रेंड्स, एक कंपनी है जो हमारी आवाज सुन रही है, दैट इज एमवे कॉर्पोरेशन। एमवे कंपनी की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इनके जितने भी प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं वो सब बिल्कुल नेचुरल तरीके से तैयार होते हैं। हमारी खेती करने का जो ढंग है वो बिल्कुल नेचुरल है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसीलिए एमवे को सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग का सर्टिफिकेट भी मिला। बीज से लेके फसल तैयार होने तक सब कुछ हमारे कंट्रोल में होता है। मिट्टी में मिनरल को बनाए रखने के लिए वॉल्केनिक राख छोड़ी जाती है, केचुए छोड़े जाते हैं जो 10 फीट जाकर मिट्टी को पलट के रख देते हैं, ग्लेशियर वाटर का इस्तेमाल किया जाता है फसलों को उगाने में, प्रॉपर क्लाइमेट दी जाती है कि किस फसल को कौन सी क्लाइमेट की जरूरत है, उसी क्लाइमेट में वो फसल उगाई जाती है। फ्रेंड्स, हनी बग्स, स्पाइडर, सभी के लिए, सभी को मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनाने के लिए छोड़ा जाता है। इसीलिए तो एमवे की पंच लाइन है, बेस्ट ऑफ नेचर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। इसीलिए आज हम आपके सामने जिस तरीके से खड़े हैं, और जितनी उम्र में, क्योंकि मैं 18 साल से हाइपोथायराइड के पेशेंट हूं और 10 साल से तो मैं डायबिटिक पेशेंट हूं, और मेरी डायबिटी बहुत हाई साइड तक जा चुकी है, 550 तक क्रॉस कर चुकी है। लेकिन एमवे के प्रोडक्ट्स को मैं धन्यवाद देती हूं जिनकी वजह से आज मेरी बॉडी के सारे वाइटल्स बिल्कुल फिट है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम एमवे के सप्लीमेंट्स की। एमवे का जो हेल्थ सेगमेंट है उसका जन्म तो आज से 80 साल पहले हो गया था, और डॉक्टर कार्ल रेनबर्ग ने हमें इसको परोसा था। 80 साल पुरानी कंपनी है न्यूट्रलाइट, जो हेल्थ सप्लीमेंट बनाती है। वो कहती है अगर आप इन चीजों को इस्तेमाल करेंगे तो आपको बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है, आइए प्रिवेंशन पे काम करें। और फ्रेंड्स, मैं बिल्कुल महिलाओं से कहना चाहूंगी कि महिलाएं ही अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखती हैं। पैसा बहुत कमाइए लेकिन थोड़ा सा पैसा हेल्थ पे तो खर्चा किया जा सकता है ना। अकलमंदी तो वही अकलमंद औरत आज के दिन में कौन सी है जिसका किचन रिच है, जिसके किचन में एमवे के सप्लीमेंट्स रखे हैं, वही लेडी का परिवार भी रिच होगा, और वही लेडी रिच होगी, और वही लेडी बिजनेस में डायमंड भी होगी। तो फ्रेंड्स, आइए सप्लीमेंट्स के बारे में बात करें कि हमें कौन से सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, क्योंकि एमवे तो बहुत सारे सप्लीमेंट्स बनाती है, तो क्या सारे सप्लीमेंट हमारे लिए? नहीं। खाने में क्या क्या होता है आइए थोड़ी बॉडी को समझें। हमारी बॉडी में 60% वाटर है, पानी खूब पीजिए, इसीलिए डॉक्टर कहता है पानी खूब पियो, भरपूर पानी पियो, बैठ के पानी पियो, भूल जाते हो तो निकालो टाइम, 4-5 ग्लास पानी पियो। 30% हमारी बॉडी में प्रोटीन होता है, 12% हमारी बॉडी में मल्टीविटामिन मिनरल होते हैं, और 6% हमारी बॉडी में गुड फैट होता है। और आज हमारे खाने में मल्टीविटामिन, प्रोटीन और फैट, इन तीन की बेहद कमी हो गई है, आइए इसे ऊपर से डालते हैं। सबसे पहले हमें क्या लेना चाहिए? पानी पीना चाहिए। उसके बाद हमको क्या लेना चाहिए? प्रोटीन लेना चाहिए। कौन सा प्रोटीन? जो मेटाबॉलाइज हो सके। और इसके लिए एमवे पेश करता है प्रोटीन पाउडर की एक बहुत प्यारी रेंज। आई लव दिस प्रोडक्ट। चार तरीकों में हमारा प्रोटीन है, चार फ्लेवर में। सोया प्रोटीन, जो लोग कोलेस्ट्रॉल फ्री प्रोटीन चाहते हैं, ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर, ग्रीन टी विद प्रोटीन, सुबह उठ के जो बहुत शान से कहना चाहते हैं कि हम ग्रीन टी पीते हैं, आप वो शान से कहेंगे कि मैं ग्रीन टी के साथ प्रोटीन भी पीता हूं। और चौथा प्रोटीन हमारे उन लोगों के लिए जो जिम शिम करते हैं, 6-8 packs बनाते हैं, उनके लिए एमवे पेश करता है वे प्रोटीन। आइए प्रोटीन के लिए ये तो जाने कि ये करता क्या है, प्रोटीन क्या करता है हमारी बॉडी में। नख से शिख तक प्रोटीन, हमारे बाल प्रोटीन, हमारी खाल प्रोटीन, हमारे मसल्स प्रोटीन, हमारे दांत प्रोटीन, हमारे सारे हार्मोनल प्रोटीन, डायबिटीज में इंसुलिन प्रोटीन, हीमोग्लोबिन प्रोटीन। प्रोटीन जो है हार्मोन्स का रेगुलेटर है, जैसे पंखे का रेगुलेटर लगा होता है, एसी में रेगुलेटर होता है, और हम उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर को फिक्स करते हैं। उसी तरीके से अगर प्रोटीन हम प्रॉपर मात्रा में लेंगे तो हमारी बॉडी में हार्मोन को रेगुलेट करने का काम करता है प्रोटीन।
किन लोगों को लेना चाहिए? सबको। जो स्वस्थ हैं उन्हें भी लेना चाहिए ताकि वो किसी बीमारी से ग्रसित ना हो, और जो बीमार हैं उनको इसलिए लेना चाहिए ताकि वो ज्यादा समय तक फिजिकली फिट जिंदा रह सके। तो फ्रेंड्स, दूसरा जो बेहतरीन प्रोडक्ट है, एसेंशियल प्रोडक्ट जो हमारे खाने में कमी हो रही है, मल्टी विटामिन और मिनरल की, इसके लिए एमवे पेश करता है न्यूट्रलाइट डेली। 13 मिनरल और 11 विटामिन से भरपूर हमारी न्यूट्रलाइट डेली। कैसे लें? अरे कैसे क्या लेना है, सुबह नाश्ता करते हैं साथ में ले लीजिए। प्रोटीन कैसे ले? दूध में ले लीजिए। हम लोग तो तरह तरह के फ्लेवर में प्रोटीन लेते, कभी नींबू पानी के साथ ले लेते, कभी दाल में। हाँ, यंग जनरेशन से ये बात जरूर कहूंगी, सोडा प्रोटीन मत ले लेना और चाय के साथ मत ले लेना, क्योंकि चाय में कैफीन होती है। तीसरा प्रोडक्ट, कितने लोग यहां पर चाहते हैं कि उनका दिल बराबर धड़कता रहे? अरे थोड़ी देर के लिए आराम दे दीजिए ना। नहीं, कुछ सेकंड के लिए, माइक्रो सेकंड के लिए आराम देते हैं। फ्रेंड्स, सब कुछ तो दिल पे आती है, मोहब्बत करते हैं तो दिल टूटता है, तो बेचारा दिल। अब तो जो ब्रेकअप्स हो रहे हैं उसमें भी हाय मेरा दिल, और इस दिल को कोई सुरक्षा कवच नहीं देंगे, बराबर धड़कता रहता है, आप सोते हो तब भी धड़कता रहता है। तो एमवे पेश करता है दिल की सुरक्षा कवच के लिए बेहतरीन प्रोडक्ट सेलमेन ओमेगा। एक कप जल अगर आप नाश्ते में ले रहे हैं तो फिर दिल से कह दीजिएगा डरने की कोई जरूरत नहीं। आखिर क्या करता है ये सेलमेन ओमेगा? ब्लड प्रेशर, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल व ट्राइग्लिसराइड की मात्रा को नियंत्रित करता है, हृदय की अनियमित धड़कन से होने वाले जो जोखिम होते हैं उसको नियंत्रित करता है, आर्टरीज में थक्का जमाने में ब्लड की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाता है, ब्रेन की क्रियाशीलता में वृद्धि करते हुए हमारे मूड स्विंग को कंट्रोल करता है, आंखों की रोशनी में सुधार करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूती प्रदान करता है, मसल्स को मजबूती प्रदान करता है, ऊर्जावान बनाता है, हमारी कार्यशीलता को बढ़ाता है, सेल डिवीजन में बहुत अहम रोल निभाता है सेलमेन ओमेगा, हड्डियों को मजबूत करता है, त्वचा, बाल और चेहरे की सुंदरता में वृद्धि करता है। कैसे लेना है? नाश्ते के साथ। और अगर हम ये तीन एसेंशियल प्रोडक्ट ले रहे हैं तो हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि हमारे भोजन में जो डेफिशिएंसी है अब वो डेफिशिएंसी नहीं रही, और हम अपनी बॉडी को भी कह सकते हैं तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन ये तो थी डेफिशिएंसी की बात, कितने लोग डेफिशिएंसी के साथ एफिशिएंसी भी बढ़ाना चाहेंगे? क्योंकि अगर डेफिशिएंसी के साथ एफिशिएंसी बढ़ जाए तो यहां बैठा हुआ हर व्यक्ति फटाफट दान जा सकता है, राइट फ्रेंड्स? तो एफिशिएंसी के लिए हमारा एमवे पेश करता है हर्बल रेंज, जिसको हम न्यूट्रलाइट हर्ब्स के बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहला प्रोडक्ट जो इम्यूनिटी पे काम करता है, न्यूट्रलाइट तुलसी। आज कितनी बीमारियां हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि हमारी इम्यूनिटी बहुत कमजोर हो गई है, और अगर आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो चार पत्तियां तुलसी की चबाने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि जब एमवे ने रिसर्च करी तो उसने पाया कि 100 पत्तियां जब एक शरीर में जाएंगी तभी कुछ काम बनेगा, और 100 पत्तियां अगर हम अपने पेड़ की चबा लें तो बेचारा पेड़ तो कैसा खड़ा हो जाएगा, वो शब्द ही नहीं मैं आप यहां इस्तेमाल कर पाऊंगी। तो फ्रेंड्स, एमवे ने 100 पत्तियों में 100 पत्तियों की एक कैप्सूल बनाकर दी, और अगर आप इसको देंगे तो आपको आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी। लिविंग एग्जाम्पल है, मेरी बेटी को डॉग से बेहद एलर्जी थी, और हम ये सोचने पे मजबूर हो गए थे कि हम उसे अपने घर में कैसे रखेंगे, क्योंकि मेरे घर में 2 बड़े डॉग्स हैं। और जैसे ही वो कार एयरपोर्ट पे आती थी और मैं उसे रिसीव करने जाती थी, उसकी आंखों से पानी सब कुछ निकलने लगता था। फ्रेंड्स, ये पूरी हर्बल रेंज ने मेरी बेटी की डॉग एलर्जी को पूरी तरह से खत्म कर दिया। और मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे एक बार एक आयुर्वेदा चार मिले थे और उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर अच्छी अश्वगंधा, तभी अश्वगंधा हमारे जीवन में नहीं थी, और उन्होंने कहा था अगर अच्छी अश्वगंधा आपको मिल जाए और आप 4 हफ्ते तक भी सेवन कर लीजिए तो आपकी डायबिटीज पूरी तरह से कंट्रोल में आ जाएगी। फ्रेंड, मैं लिविंग एग्जांपल हूं, अश्वगंधा से मेरी पूरी डायबिटीज नॉर्मल हो गई है। अगर आपको बहुत टेंशन है, बहुत प्रेशर है, मेंटल एजिलिटी आज कॉमन है, रात में नींद ही नहीं आती, यंग बच्चों को नींद नहीं आती, क्यों नहीं नींद आती है? प्रेशर।
माँ बाप का प्रेशर नंबर ज्यादा लाओ, टीचर का प्रेशर नंबर ज्यादा लाओ, बच्चों पे प्रेशर। आज कितने यंग बच्चे हमारे यहाँ सुसाइड कर रहे हैं, क्यों? मेंटल प्रेशर। फ्रेंड्स, मेंटल प्रेशर को कम करने के लिए एमवे पेश करता है ब्राह्मणी, न्यूट्रलाइज ब्राह्मणी। और इसी तरीके से अगर आप अपने नर्वस सिस्टम को मजबूत करना चाहते हैं तो एमवे पेश करता है न्यूट्रलाइज अश्वगंधा, जिसको हम इंडियन जिनसिंग के नाम से भी पुकारते हैं। चौथा जो आज आम बीमारी है, हाई मेरा पेट, सुबह उठते हैं फ्रेश नहीं होते हैं, कुछ अनमनासा लग रहा है, कुछ खाने की हिम्मत ही नहीं बची। पहले लोग कितनी डाइट होती थी, आज लोगों की डाइट देखिए कितनी कम हो गई। जरा सा कुछ खा लिया तो बस अजवाइन और सौंफ की तरफ जाने लगते हैं। उससे बचाएगा एमवे का त्रिफला, हरिता की विभिता की, जिसको हम कहते हैं। ताली बजानी हो तो अच्छे से बजाइए। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे एसेंशियल प्रोडक्ट और एफिशिएंट प्रोडक्ट, और अगर आप अपने इन्हें जीवन में अपनाएंगे तो फ्रेंड्स आपको आपका परिवार बहुत स्वस्थ होगा, आपका परिवार एग्जैक्टली रिच होगा। और अगर आप इसके बारे में ज्यादा पता करना चाहते हैं तो जिसके साथ भी आप आए हैं उनसे आप ये लीफलेट लीजिएगा हर्बल्स की। और जो हमने एसेंशियल प्रोडक्ट्स बताए थे, प्रोटीन, सैल्मन और डेली, और इसके साथ भी अगर आप कुछ पता करना चाहते हैं तो एमवे फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। तेज कुमार प्लाजा में आप जा सकते हैं और वहां पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।